खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। दुनिया भर में फैल रही कोरोना वायरस की महामारी को लेकर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उभर कर सामने आई है। महामारी से पीड़ित या संदिग्ध मरीजों के लिए जिले में बनाए गए 3 आइसोलेशन सेंटर में से एक सेंटर सोनगढ़ क्षेत्र के इंदौर भोपाल हाईवे मार्ग पर स्थित वन मंडल के पास विश्राम गृह दौलतपुर के अतिरिक्त कक्ष में बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 बेड के लिए बनाए इस सेंटर पर मंगलवार को अव्यवस्थाओं की भरमार देखी गई। केंद्र पर दिन के करीब 4 बजे स्वास्थ्य विभाग का एक भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। सेंटर के नलों में पानी का सप्लाई बंद मिलने के साथ ही लगे पंखे भी बंद मिले। उनके तारों को बिजली सप्लाई से सही नहीं जोड़ा गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब रखी वहाँ सैनिटरी बॉटल एक्सपायरी डेट की मिली। वहीं केंद्र के फर्श सहित बाथरूम आदि स्थानों पर गंदगी के साथ धूल एवं जाले देखे गए। केंद्र के अधिकारियों से केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर पूछे जाने पर सभी उचित व्यवस्थाओं की जाकर बार बार जांच की जा रही है, खोखला साबित हो रही है। पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जवाबदार अधिकारी अपने कर्तव्य से विमुख होकर व्यवस्थाओं में शीघ्र सुधार एवं लापरवाही बरतने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांग बुलंद की है। SDM अंकिता जैन सोनगढ़ से बाहर होने पर मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने कहा केंद्र पर अव्यवस्थाओं के लिए PMO से चर्चा कर अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए। एक्सपायरी डेट के सैनिटाइजर मामले में जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। सोनकच्छ से रुपेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।